नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनके जो थीम हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन करंट अफेयर के हिसाब से ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आप SSC, CGL, बैंकिंग, रेलवे, NTPC, UPPCS, PSI, जो जितने भी एग्ज़ाम हैं, या आप HSSC एग्ज़ाम की बात करें, आप दिल्ली पुलिस की बात करें, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो टॉपिक को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता है कि 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। थीम है टू स्प्रेड द ग्रेटनेस ऑफ हिंदी, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो हम मनाते हैं 14 सितंबर को, ठीक है। चलिए 12 जनवरी नेक्स्ट है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इंटरनेशनल, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। इंटरनेशनल पूछा जाए तो वो 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, 12 अगस्त को। तो थीम है युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना, या फिर जो चैलेंजिंग यूथ पावर ऑफ फॉर नेशन, युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना, ये है जो राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। नेक्स्ट है 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। थीम है वोटर्स, जो नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, ठीक है। वोट मत डालना सबका एक अधिकार है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं, 25 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये आर्मी डे भी आपको 15 जनवरी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 2 फरवरी विश्व आदर भूमि, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, आदर भूमि दिवस। थीम है वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, आदर भूमि व जलवायु परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 4 फरवरी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। थीम आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है। नेक्स्ट है 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। और थीम है डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। साइंस लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस, फॉर साइंस। तो लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है। 3 मार्च विश्व वन्य दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, जो इसकी थीम है जल के नीचे जीवन, लोगों और इस ग्रह के लिए, लोगों के लिए और इस ग्रह के लिए। थीम है लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लांट, जल के नीचे जीवन, लोगों और इस ग्रह के लिए, ये इसकी थीम है विश्व वन्य दिवस की, वाइल्ड लाइफ की। 8 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं। तो इसकी थीम है थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। 18 मार्च वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ग्लोबल रिसाइकल डे। थीम है रिसाइकलिंग फॉर फ्यूचर, भविष्य में पुनर्चक्रण। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। थीम के आई लव स्पैरोज। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। थीम है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, वन और शिक्षा। चलिए 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। थीम है कोई भी व्यक्ति पीछे ना रह जाए, लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी व्यक्ति पीछे ना रह जाए, ये विश्व जल दिवस की थीम है। 24 मार्च विश्व अक्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, TB बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। थीम है इट्स टाइम, यही समय है। 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, आपने WHO भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है हर किसी को हर जगह स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध, यूनिवर्स हेल्थ कन्वर्स एवरीवन एवरीवेयर, ठीक है, हर किसी को हर जगह स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध। 17 अप्रैल की हम बात करें तो विश्व होमोफिलिया दिवस मनाया जाता है। थीम है इसकी देखभाल के लिए पहला कदम, ठीक है। चलिए आप इंग्लिश हिंदी दोनों में, आप दोनों में इसको देख सकते हैं, रीचेंजिंग आउट द फर्स्ट स्टेप टू केयर। 18 अप्रैल विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। थीम है ग्रामीण परिदृश्य,
रूरल लैंडस्केप। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। हमारी प्रजातियों को बचाओ, देखिए बहुत सारी प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, तो सेव आवर स्पीसीज, जितनी भी हमारी प्रजातियां हैं उनको, हमारी प्रजातियों को बचाओ, ये इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विरासत हो गया, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पृथ्वी के बाद 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे, थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, मेरे साथ जीरो मलेरिया की शुरुआत। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, थीम है मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, सॉरी डेमोक्रेसी की हम बात करें तो 3 मई को क्या मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आठ मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो थीम है लव, ठीक है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो तंबाकू डे, 31 मई, थीम है तंबाकू एंड लंग्स हेल्थ। 1 जून विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे, थीम है ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, दूध पियो आज और हर रोज। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, थीम है बीट एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण खत्म करें। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन यूएनओ, ठीक है, यूएनओ द्वारा जो शुरुआत है, मतलब 21 जून को वैसे बाहर से शुरुआत हुई है योगा की, तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, थीम योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन योगा फॉर हार्ट, ठीक है, ये आयुष मंत्रालय का है। 1 जुलाई जीएसटी दिवस और डॉक्टर्स डे दोनों मनाए जाते हैं। 11 जुलाई की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइट्स, वर्ल्ड हेपेटाइट्स डे, थीम है इन्वेस्ट द एलिमेंटिंग हेपेटाइट्स, ठीक है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल बायोफ्यूल डे है, जैव ईंधन दिवस, थीम है प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। 12 अगस्त की हम बात करें, इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, मैंने बताया आपको ऊपर, थीम है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, 75 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी प्लेयर ध्यानचंद का बर्थडे है इस दिन। नेक्स्ट हम बात करें, 2 सितंबर को हम कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस, थीम है साक्षरता और बहुभाषावाद, लिटरेसी एंड मल्टी लैंग्वेज की हम बात करें तो बहुभाषावाद है। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन दिवस 16 सितंबर, थीम है 32 ईयर्स एंड हीलिंग। 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, थीम है क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। 26 सितंबर वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस, थीम एम्पावरिंग वोमेन इन द मैरीटाइम कम्युनिटी, समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस, थीम है टूरिज्म एंड जॉब ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। 28 सितंबर को रेबीज दिवस, रेबीज डे मनाते हैं। 29 सितंबर की हम बात करें तो वर्ल्ड हार्ट डे, थीम है माय हार्ट यूर हार्ट। 30 सितंबर वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे, विश्व अनुवाद दिवस, ट्रांसलेशन एंड इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, थीम है द जर्नी टू एज इक्वलिटी। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे
थीम है यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, थीम है सुसाइड प्रिवेंशन। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, थीम है आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, हेल्थी डाइट्स फॉर ए जीरो हंगर वर्ल्ड। 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे, थीम है स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर द वर्ल्ड पोलियो डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। चलिए 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे, 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे, 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे और 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे। 11 नवंबर को नेशनल डे ऑफ एजुकेशन, 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे और 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो ये महत्वपूर्ण दिवस थे भाई, काफ़ी सारे हो गए हैं, लेकिन इनको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, इनमें से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद।